इतने सारे कंटेस्टेंट जो कि छः पैनल सब लोग ही अच्छे हैं, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है हमारा जैसे म्यूजिकल सीरीज, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इन तीनों को साइन किया है। तो म्यूजिकल सीरीज में पवनदीप एंड अरुणिता इज देयर, एंड आफ्टर दैट वी आर डूइंग एल्बम विद थ्री ऑफ देम, जिसमें शनमुख है, पवनदीप है और अरुणिता है। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से किया है, और इनका टैलेंट तो है, बहुत अच्छा टैलेंट है। और मैं तो कोई जज हूँ नहीं, ना जनता ने इनको चुना है, लेकिन जो मुझे दिखा एक महीने पहले कि हमको इनको साइन करना चाहिए था ऑक्टोपस, लाइक वी हैव टू साइन देम दिस टैलेंट। जब भी मुझे नहीं पता था कि कौन जीतने वाला है या कौन रनर अप होगा, मुझे नहीं पता था ये कुछ, लेकिन मैंने जब ही डिसाइड कर दिया था कि हम लोगों को ऐसा करना है, इसीलिए हमने जब ही 20 गानों का डील हमने साइन कर दिया था। सो आई एम वेरी हैप्पी दिस थ्री आर विद अस एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। और मैं कहना चाहूँगा सब लोगों को, जो इनका टैलेंट है, जो पैंडेमिक में जो लोग गुजर रहे थे, जो पीपल हैव द नेगेटिविटी एंड एवरीथिंग, पीपल वर जस्ट वॉचिंग इंडियन आइडल एंड लुकिंग एट दैट टैलेंट एंड यू नो दे वर एंजॉइंग एंड यू नो, वो जो पीरियड हम लोग का जो गुजरा है, हम लोगों ने पूरा इंडियन आइडल को इन्जॉय किया है और इन लोगों ने जो सक्सेस बना है, तो मुझे लगता है ये इनको बहुत श्रेय जाता है, और पूरी टीम को जो इंडियन आइडल की पूरी टीम है उनको भी ये पूरा सक्सेस का ये जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने ट्रॉफी लिफ्ट कर ली है और कहीं ना कहीं पवनदीप फैंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आपको बाकी सारे 20 सॉन्ग्स में देखने के लिए, और आप जिस दिन इंडियन आइडल था 15 अगस्त को आप पहले भी ट्रेंड कर रहे थे, उसके अगले दिन भी ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पर, तो क्या कहना है आपको? यही कहूँगा कि एक पहले तो जनता ने इतना भरोसा दिखाया और मुझे विनर बनाया, बट वहाँ विनर के लिए सभी लायक थे बहुत ज़्यादा, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम अनाउंस होगा, और बहुत दूर दूर तक नहीं सोचा था, मैंने सोचा कोई पोजीशन आएगी तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोगों का इतना प्यार मिला और इतना सम्मान मिला, इतना सहयोग मिला, और आज आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं और आज सर से मुलाकात हुई, ये सब इंडियन आइडल की वजह से हो पाया। सर ने जो गाने दिए हैं वो बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे। और क्या था सवाल थोड़ा? मैम वो तो मैं देखता ही नहीं हूँ। नहीं नहीं, सैडनेस नहीं थी, मेरे को लग रहा था, पहले मैं शो में बताता हूँ जैसे कि मैं हंस रहा हूँ, मैं थोड़ा मुस्कुराया, फिर मुझे लगा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ कंटिन्यू, फिर मुझे पता नहीं चला कि मैं हंस नहीं रहा हूँ। बट ये भी था बात की, और लोग भी थे ना मेरे साथ में, और 5 लोग भी थे, तो अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे ट्रॉफी मिल गया, इतने टाइम से साथ में है, तो इतनी सी बात थी। तो मैं ज़्यादा वैसे भी उछल कूद मचाता नहीं हूँ, बट उस टाइम पे और कम हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि जनता इतना प्यार करने वाले हैं और इतना प्यार कर सकते हैं, इतना प्यार मुझे मिलने वाला है, तो सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये जो ट्रॉफी है मुझे देने के लिए और इसका लायक मुझे सबको बहुत धन्यवाद, और शो के अंदर रहते रहते ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आए हिमेश सर ने हमसे गवाया, तो इनका बहुत सारा धन्यवाद। और सोचा नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में गा पाऊँगी और नहीं, मुझे लगा ही था कि हम लोग ये जो टैलेंट है, और मुझे लगा ही था कि लोग आगे बढ़ने ही वाले हैं, और इनका परफॉर्मेंस देखने के बाद, और 1-to-1 जब भी हम लोग ने रिहर्सल्स भी किया था, जो रिकॉर्डिंग की थी वो गानों के साथ में जो हम लोग ने शूट किया था, तब मुझे समझ में आ गया था कि इन लोगों के साथ ही बनाना चाहिए, जो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो इन लोग ने एक बार हम लोग गाना भी सुनाया था, जो हम लोग ने मैंने बोला था इनको एक गाना सुनाने के लिए, तो उन्होंने गाना भी सुनाया था, तो वो गाना सुनने के बाद ही हम लोग ने बोला कि हम लोग को इनके साथ में जाना चाहिए करके। वो कौन सा गाना था? वो गाना है
सुन रहा हूँ ना, सुन रहा हूँ ना मैं, सुन रहा है ना तू, सुन रहा है ना तू, या देखन सिंग रहा है अपने करम की करता है यारा यारा यारा, मुझको इरादे दे, कसमें देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, सुन रहा है ना तू, रो रही मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही मैं। थैंक यू। शनमुखा, शनमुखा जो है रॉकस्टार आया शूट से, हम लोगों ने जब शूट किया था तो ये नम रिहर्सल्स के वक्त एकदम शांत होके आई थी, लेकिन हम लोग जब शूट कर रहे थे इन द मॉनिटर आई कुड सी द टैलेंट एंड द वे शी वॉज परफॉर्मिंग। एक रॉकस्टार का जो स्टाइल होता है जो गाने का और जो परफॉर्म करने का, वो शनमुखा में पूरा है, और वो जैसा स्टेज पे आग लगा देंगी मुझे ऐसा लगता है, अगर कॉन्सर्ट होगा तो मुझे ये फील हुआ, और जो उसने परफॉर्म करती है वो, so I wanted there is very rare who can do the rap in the girl, so I wanted her to do the rap thing, like a girl rapper is very less in the industry, music industry, so ek rap mujhe socha tha isko ek rap diya jaye, aur ye jo look bhi diya gaya hai aur hum log ne ye create kiya ki isko rap diya jaye, rockstar ke jo gaane hai aur iske jo gaane bhi hai pure mein bahut acche rockstar type hai, because of that we have signed the channel। आई फील सो ब्लेस्ड एंड जब पहली बार सर के साथ काम किया था तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, और अभी वापस सर के साथ यू नो वापस डूइंग दिस थिंग इज अमेजिंग, आई फील सो ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई वुड लाइक टू थैंक द होल टीम फॉर मेकिंग दिस अमेजिंग, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप तीनों से मैं ड्रेसिंग के बारे में जानना चाहूँगी। अरुणिता, मुझे हमेशा आपको इंडियन वेयर में देखा है, लुक प्रिटी, दिस इज आल्सो न्यू अवतार, गांधी आपकी टोपी को मैं भी मस कर रही हूँ, और शनमुखा ये तो मुझे सीरियसली एवरीथिंग फाइव है। आप तीनों के रिएक्शन जानना है ड्रेस को। सच में मैंने ऐसा पहले कभी ट्राई नहीं किया है, तो सर ने सजेस्ट किया कि करना हाँ, क्योंकि ये गाना हम लोग हिमाचल और कश्मीर में शूट कर रहे हैं, तो हम लोगों को इनको विंटर वेयर देना था, सो वो विंटर का गाना भी है, तो वो हिसाब से हम लोग ने ये स्टाइल किया इसको, अरुणिता को और इनको एक रैप स्टार की तरह हम लोग ने इसको स्टाइल किया है, सो मुझे लगता है इसको मुझे बहुत सारे शोज मिल जाएंगे, और उसके लिए हम लोग मैनेज करेंगे ऑक्टोपस, सो ये हम लोग को रख सकती है तो मैनेजमेंट टीम है ना। हाँ, हम लोग जाने वाले हैं उत्तराखंड, जहाँ से पवनदीप है हम लोग वहाँ शूट करने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट के अंदर है, स्टोरी के अंदर वो है कि ये हिमाचल से है करके, वो सब कुछ है, हम लोग स्नो में शूट करने वाले हैं, जैसे कि इट्स इन द स्नो, बर्फीले पहाड़ हो गए, वो गाने हैं जो आपने गाना सुना था करीब आके तेरे, दैट सॉन्ग वी गोना बी शूट इन द स्नो, सो दैट इज़ द रीज़न द लुक इज देयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, हम लोग ने लुक डिसाइड किया। जहाँ से हम लोग आते हैं, जैसे मैं चंपावत से हूँ, उत्तराखंड चंपावत से, तो वहाँ संसाधनों की कमी होती है, आप कभी आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे,
कि हमारी संसाधनों की कमी का मतलब सब कुछ मिलता है, खाने पीने की, ये सब रोड हैं, अच्छा है, सब कुछ है। अब जैसे किसी को स्पोर्ट्स में आगे आना है तो वैसा स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सब चीज़ें, और किसी को म्यूज़िक में आना है तो एक म्यूज़िक का बहुत बढ़िया स्कूल और अच्छे संसाधन वहाँ पे, अच्छे तबला ढोलक, अच्छा गिटार और अच्छे टीचर्स अगर हों तो वहाँ से भी बहुत सारा टैलेंट आ सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, डांसर्स हैं बहुत अच्छे, फुटबॉलर हैं बहुत अच्छे। तो मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए वहाँ पे भी, एक स्कूल हो म्यूज़िक का, मतलब मैं तो म्यूज़िक का स्कूल खोलना चाहूँगा बिल्कुल, तो म्यूज़िक का स्कूल हो जहाँ पे कि बच्चे सीखें और उनका उत्साह बढ़े, उनका हौसला बढ़े कि हाँ यार कि हम भी कर सकते हैं, और तो उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ इतने दूर से, हम इतने दूर ऐसे माया नगरी बम्बई में, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे एक से एक स्टार्स लोग हैं, तो इतने गाँव से अपने आप में वो, तो कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नहीं आ सकते हैं, बोलते हैं घर वाले नहीं भेजते हैं या कुछ होता है एक, लेकिन ऐसा मौका मिलना चाहिए कि वहाँ से वो लोग सीखें और उनको कॉन्फिडेंस आए एक, ताकि वो बड़े बड़े मंचों पर परफॉर्म करें और अपने राज्य का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। मैडम आप क्या करना चाहते हैं? आप जहाँ से आती हैं हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अपनी धरती अपनी मिट्टी के लिए अगर कुछ करने का मौका मिला आपको तो वो क्या कुछ होगा, जो कुछ बदलाव करना चाहेंगे आप? मुझे उतना पता नहीं, बट मैं भी म्यूज़िक करना चाहती हूँ, और ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग म्यूज़िक करना चाहते हैं बट फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, या कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि वो लोग म्यूज़िक में सक्सेस या आगे नहीं बढ़ पाते, तो उन सबको आई वांट टू सपोर्ट देम और उनको एक अच्छा गाइडेंस देना है, एंड देन जस्ट बिलीव इन देमसेल्व्स, और आई वुड से आई विल लव टू हेल्प एवरीबॉडी। सो मैंने, मेरा बचपन से ये ड्रीम रहा है कि अगर मैंने कुछ किया तो, मतलब अगर मेरे पास इतना कुछ रहा तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। मैंने देखा है मेरे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मैंने ऐसे रास्ते में जब जाते वक्त बहुत सारे लोग ऐसे रास्ते में खेले हुए हैं और कहाँ से उठा के कुछ भी खा रहे हैं और ऐसे ही, मतलब बहुत खराब हालत देखा है। तो मुझे वो देख के बचपन से मुझे बहुत रोना आता है, बहुत बुरा लगता है, ऐसा ऐसा भी है और हम इतने अच्छे से रहते। तो मेरा ड्रीम रहा है कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ हुआ, भगवान ने अगर कृपा किया तो मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उन लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ ताकि वो लोग भी आगे बढ़ पाए, क्योंकि सबका एक ड्रीम रहता है, सबका सपना रहता है कि वो जिंदगी में कुछ करें, तो उनके लिए मैं कुछ करती हूँ। ये हम लोग जैसे कि आप लोग देखा, हम लोग ने दो गाने तो एक टीजर छोड़ ही दिया है, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, और बहुत ही जल्दी, मतलब कुछ महीनों के अंदर ही हम लोग एक्चुअली लोग बहुत थक चुके हैं, 10 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, सो शायद ये कोलकाता जाएंगे, ये भी जाना चाहता है अपने पहाड़ियों में, और ये भी जाना चाहती है अपने होम टाउन। सो ये लोग जाने के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और हम लोग गाने बनाएंगे और फिर से हम लोग उसको शूट करेंगे। और जैसे कि आपने पूछा कभी तक, जब ये बर्फ़ गिरेगा कश्मीर के अंदर हम लोग ना, आप जब बर्फ़ दिख जाएगा तो हम लोग उधर दिख जाएंगे आप लोगों को, कि जब बर्फ़ होगा हम लोग दिख जाएंगे, जो कि सितंबर अक्टूबर में होता है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट स्नो इज रिक्वायर्ड फॉर द सॉन्ग, वो गाने के लिए वो रिक्वायर्ड है, और जिसने रैप किया है वो हम लोग शायद महीने भर के अंदर ही शूट कर रहे, वो हम लोग इधर ही शूट करने वाले, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वी कैन शूट इट। बट इन लोग को मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपना टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ में, और जो इनके दोस्त लोग हैं के, और ये ट्रॉफी सबको दिखाए अपने पहाड़ियों में, घूमें अपने सबके साथ में, सब लोग अपना अपना इन्जॉय करें, फिर उसके बाद में हम लोग काम चालू। थोड़ी 10-15 दिन की छुट्टी, 10 महीने से काम करें, 10 दिन छुट्टी बनती है मेरे हिसाब से लोगों ने। जैसे भी आपने कहा कि आप सब एक फैमिली की तरह रह रहे थे, तो ऐसा कोई किस्सा है जो बैड ऑफ सीन हुआ हो और आप बताना चाहोगे ऑडियंस को कि हम सब ऐसे मस्ती करते थे, या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज, क्योंकि
अब तो ट्रॉफी के बाद तो मिलना तो ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन वो नहीं नहीं बिल्कुल होगा। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग एक ही बिल्डिंग में घर लेने वाले हैं, 6-7 लोग, और वहाँ पे एक स्टूडियो सेटअप करने वाले हैं, तो साथ में एक ही बिल्डिंग में 3-4 घर हों, तो कहीं पे भी जाके हम लोग अपना जैम वगैरह अपना साथ में, क्योंकि ये ऐसे इतने धुरंधर कलाकार बाद में नहीं मिलने वाले मेरे को, तो अभी से मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और इतने गुणी कलाकार, इतने सब व्यवहार के अच्छे, तो एक कोई एक साथ घर ले रहे हैं। और मैं मस्ती के बारे में बताऊँ तो हमारे दानिश भाई और सम्यक, ये लोग ऐसे थे कि हंसाते रहते थे हमें, पीछे हम लोग खाना खाते थे होटल में नीचे, तो दानिश भाई सबकी एक्टिंग करते थे, मिमिक्री करते थे, और मैं तो और सम्यक बहुत अच्छा एक्टिंग करता था वो। तो एक इतना लंबा सफ़र है 10 महीने का, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं आपको, कैसे इतना, मतलब एक साल का रूम एग्रीमेंट मेरा हो गया था, समझ लीजिए मैं एक ही कमरे में पड़ा हूँ 10 महीने से, तो बहुत अच्छा उस कमरे से लगाव हो जाना, और उस होटल से लगाव हो जाना, उस सेट से लगाव होना, और उस पूरी टीम से लगाव होना, सब रो रहे थे। फाइनल के दिन तो ऐसा माहौल था कि एक खुशी थी कि फिनाले है, और एक दुख था बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा कि हम छोड़ के जा रहे हैं, इसके बाद अब मिलेंगे तो बाहर मिलेंगे, अब डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे मिलना है सब लोगों को एक जगह, अभी तक सब लोग एक साथ रह रहे थे, तो दुख हुआ ज़्यादा कि हम लोग बिछड़ रहे थे वहाँ पे, लेकिन हम सभी लोग साथ में हमेशा। इस 10 महीने की बात की है, आप तीनों के सवाल है, तो क्या कुछ ऐसा नया सीखने को मिला है आपको इन 10 महीनों में, जो आपको क्या लाने वाला है? हर चीज़ नहीं है सर, क्योंकि हम लोग जो घर से तैयारी करके आते हैं वो बहुत अलग होती है, क्योंकि हम अपने हिसाब से करते हैं, और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एक से एक दिग्गज लोग हैं, हमारे म्यूजिशियंस इतने दिग्गज होते हैं क्यों, इंडिया के बेस्ट हैं, हमारे जजेस इतने लेजेंड लोग बैठे हैं, हमारे जो कोचेज होते हैं वो दी बेस्ट हैं, इसलिए इतना बड़ा, इतने बड़े शो में वो लोग कोचेज हैं, तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं छोटी छोटी बारीकियाँ, वो चीज़ें सीखते हैं, और हमें कैसे रहना चाहिए वो सीखते हैं, हमें टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, सुबह उठ के रियाज करना चाहिए वो पता चलता है, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखा है। और हमारे कोच, हमारे कोचेज और जजेस कैमरे के पीछे भी हमें बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन देते हैं, और एक अपनी लाइफ के बारे में अपने एक दो किस्से ऐसे बताते हैं जिससे कि बहुत एक बूस्ट मिलता है कि हम भी कर सकते हैं इस तरीके का, और बहुत अच्छे से समझाते हैं कि किस तरह से करना चाहिए। मेरा एक दिन एक सवाल था HR सर से कि सर आपने ये सब कैसे किया इतना म्यूज़िक, तो सर ने बहुत अच्छे से बताया हमें कि मेरा इस तरीके से है, मैं गाना, और उनके साथ जो गाना रिकॉर्ड करने का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, हम दोनों गए थे, छोटू ने भी गाना रिकॉर्ड किया है, तो लगभग सर ने सभी को गाना दिया है, तो एक ऐसा एक्सपीरियंस, बचपन में नमस्ते लंदन देखता था मैं मूवी, तो वो सब गाने सुनता था, तो अभी बचपन में जो सोची चीज़ अब HR सर का गाना उनके स्टूडियो में जाके गा रहा हूँ, तो पहले ये तो बहुत बड़ा सपना, फिर उनका काम करने का तरीका, उनका रिकॉर्डिंग करने का तरीका, वो बहुत कमाल, और हर जगह से सीखने को ही मिला, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं इंडियन आइडल में आया, और थैंक यू कहना चाहूँगा इंडियन आइडल को, जिन्होंने इतना बढ़िया मंच दिया है सभी कलाकारों को, और हम जैसे छोटे गांव से आए हुए कलाकार आगे बढ़ते हैं, आप लोगों तक पहुंचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और आप लोग इतना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सो इंडियन आइडल में मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है, मेनली म्यूजिकली आई फील लाइक आई एम ग्रोन अ लॉट, और जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी ऑडिशंस के लिए उस टाइम पर मैं थोड़ा, मेरा सोच थोड़ा अलग था, देन अभी म्यूज़िकली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है फ्रॉम द कोचेस, फ्रॉम द जजेस, और उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो एडवाइस और टिप्स हैं वो मेरे लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे, और या बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड ऑल्सो मुझे एक अच्छा परिवार मिला है यहाँ पे, और विच आई एम वेरी थैंकफुल, एंड या सो थैंक यू सो मच इंडियन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आई जस्ट So I hope they, I think people will love this look, but I hope first they should love the look to carry the whole thing in front of the audience. So जैसे हम लोगों ने पवनदीप के साथ कल कॉस्ट्यूम ट्रायल और बालों का जो किया था, तो इसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमेशा टोपी में ही, टोपी है इनकी एक सिग्नेचर है, तो लेकिन ये गाने में ये टोपी नहीं है, तो हम लोगों ने इसका एक अलग लुक बनाया है, ये मैडम को हम लोगों ने एकदम अलग ही चेंज कर दिया, और मैंने अगर ये कॉन्सेप्ट में इनको टोपी नहीं है तो मैंने इनके सर पे पहना दी तो, बट टोपी होना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कुछ लक फैक्टर है, और बहुत अच्छी सिग्नेचर है इनकी टोपी, एंड आई लव द ही कैरीज द लुक वेरी वेल एंड ऑल, बट अकॉर्डिंग टू दिस सॉन्ग दिस लुक इज़ देयर।
सो आई थिंक इट गोइंग गुड एक्चुअली. अभी आप लोग बताएंगे कि कैसा लगेगा और जो ऑडियंस है, जो इनके फैंस है, जो देखने वाले हैं, वो उनके ऊपर है कैसा लगेगा ये. या हूँ तेरा ना. अच्छा हूँ तेरा ना. या हाँ ठीक है.